हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना। तो गाइस, आप सभी लोगों के लिए आज और एक इंटर के ऊपर वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। आज का जो वीडियो है हमारी टीवीएस इंटर के साथ, मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हो। जो लोग इंटर यूज़ करते हो उसी लोग ये वीडियो पूरा देखो। अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। इसी चैनल पर टीवीएस इंटर रेस एडिशन मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, और राइड भी करता हूँ, तो सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गाइस टीवीएस नेटवर्क के पास आ गए हूँ। जो मैं फास्ट जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, इसका जो फॉन्ट का जो ये वाइजर है ना, ये पूरा इतना वाइब्रेशन कर रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये लड़ रहा है, जब भी मैं स्टार्ट देती हूँ इसको तो तब ये वाइब्रेशन करते फट 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 करके। तो गाइस, एक मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, सर्विस सेंटर जाने से नहीं हुआ ये पूरा वाइब्रेशन की सॉल्व, तो खुद के ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ दिखाता हूँ आपको। ये जो इंजन है ना हमारी, इसके अंदर से कर 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 करके साउंड आ रही है। तो सर्विस सेंटर गया थे, ये क्लीन कर दिया, उसके बाद फिर वही साउंड आ रही है, आप लोगों को सुनाता हूँ। तो गाइस, आप लोग सुन पा रही हो नहीं पा रही हो मेरे को नहीं पता। ये जो साउंड आ रही है ना, ये साउंड है जो मेरे से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से आ रही है। तो गाइस, थर्ड जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो नाट स्क्रू दिया है ना, ये वाला जो मेरे दो तीन स्क्रू निकल गए। यहाँ पे आफ्टर मार्केट एक ना जो बोल्ट इंस्टॉल किया हूँ, और यहाँ पे भी है। तो ऐसे ही नाट बोल्ट हो वो खुद खुद निकल रहा जा रही है, ये एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। तो गाइस, फोर्थ जो प्रॉब्लम है, ये वाला पार्ट इतना हिल रहा है ना, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों का स्कूटी भी का जो पीछे का रेड कलर की पैनल है, ये वाला पार्ट हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे स्कूटी का तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पार्ट बहुत हिल रहा है, तो साउंड सुन के आप लोग सुन सकते हो। तो गाइस, फिफ्थ जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम ये है हॉर्न। इसका हॉर्न जो है कभी कभी जो तेज से साउंड करता है, कभी कभी उसका साउंड जो स्लो हो जाती है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ऑन किया चाबी, अभी तो इसका साउंड सुन लीजिए आप लोग, अच्छा है ना। इसका जो फोर इंडिकेटर ऑन करने के बाद इसका साउंड और भी हो जाएगा, ठीक है, दिखाता हूँ। ऐसे साउंड है, आप लोग सुन लीजिए। ये एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। इसका बैटरी जो है थोड़ा डाउन क्वालिटी का है, मेरे को पता जाओ समझ आ रही है, ठीक है। कमेंट करके बताओ आप लोगों का जो स्कूटी है उसका क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो। इसका जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम है फ्रंट पैनल का पूरा, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रॉब्लम के ऊपर नाराज़ हूँ। तो गाइस, यही है हमारी आज का वीडियो, ज़रूर इसका सॉल्यूशन में बाहर निकलेंगे। तो गाइस, और एक प्रॉब्लम है मेरे पास, ये वाला पार्ट, जब आपका स्कूटी गिरेगा इस साइड पर उसी साइड, ये टूट जाएगा। इस जो नंबर जो की चाबी का की ऊपर जो कवर है ना, ये टूट जाएगा। मैं आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा हूँ, सर्विस सेंटर का कहाँ पे भी ये अवेलेबल नहीं था। इस जो ऊपर का प्लास्टिक को चेंज करने से आपका पूरा लॉक चाबी का ये पूरा चेंज करना होगा। इसका लिए 700 रुपया एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा सर्विस सेंटर में। ये एक वीक मेरे को प्रॉब्लम लगा, ये मैं विलिंगटन से जाके लगाया हूँ, ठीक है। आशा रखते हो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो गाइस, हम लोग इसी चैनल पर मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखो। और नेक्स्ट और मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो आने वाली है। तो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही, आज के लिए बाय, ठीक है।